हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, आज मैं आप बच्चों के लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द पेनिट्रेशन डेप्थ एंड द स्किन डेप्थ। तो ये जो न्यूमेरिकल जब अक्सर जो है वो ये पूछा जाता है फाइनल एग्ज़ाम में, तो बेसिकली। और ये जो है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्वेश्चन को देखें बच्चों। कैलकुलेट द पेनिट्रेशन डेप्थ मींस स्किन डेप्थ एट अ फ्रीक्वेंसी 71.6 मेगाहर्ट्ज इन एल्युमिनियम, दैट इज अ मेटल। द कंडक्टिविटी इज 3.54 इंटू 10^7 सीमन पर मीटर, वेयर द रिलेटिव परमिटिविटी इज 1 एंड द रिलेटिव परमेबिलिटी इज 1 एंड द योर द मैग्नेटिक परमेबिलिटी एट द फ्री स्पेस इज 4π × 10^-7 बीबर एम्पियर पर मीटर। तो बच्चों, ये स्किन डेप्थ के ऊपर ये क्वेश्चन है। और ये स्किन डेप्थ है क्या? इट इज द डेप्थ एट विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटरिंग टू अ कंडक्टर इज डैम्प्ड टू 1/E मीन 0.369 ऑफ इट्स इनिशियल एम्पलीट्यूड एट द सरफेस। तो स्किन डेप्थ का जो क्वेश्चन है कि फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे बात करें कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यदि ये किसी सरफेस पे, यदि हमारे पास ये डैट इज द कंडक्टर, फाइन, ये क्या है? कंडक्टर है। और ये कंडक्टर का सरफेस है। तो यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वाइब्रेशंस है दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बाद बच्चों ये जब डीके होगा तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, इसको हम ऐसा बनाएं, ये इस तरह से ये डीके हो, फाइन। तो स्किन डेप्थ क्या है? ऐसी डेप्थ जहाँ पे ये 0.36, मतलब यहाँ पे 0.1/E, ये जो डेप्थ है जहाँ पे कि इलेक्ट्रिक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 1/E फ्रॉम द सरफेस, एट द सरफेस। तो 1/E मीन्स दैट इज 0.369, अंडरस्टैंड। तो इतना 1/E जब डीके हो जाए ऐसे डिस्टेंस को, ये सरफेस के अंदर है बच्चों, इस डिस्टेंस को हम बेसिकली क्या बोलेंगे? स्किन डेप्थ बोलेंगे। नाउ हम यहां से बात करते हैं। तो स्किन डेप्थ का फॉर्मूला कि जब भी हम बच्चों लाइटनिंग होती है, और हम जैसे कार के अंदर है और दी लाइटनिंग है हो रही है, तो लाइटनिंग से बचाने के लिए जो मेटल होती है बच्चों, जिससे कि कार बनी है, तो उस कार का जो थिकनेस है मेटल का, वो स्किन डेप्थ से ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं पहुंच पाएगी कार के अंदर, और हम सेफ हैं। तो ये बेसिक एप्लीकेशन जो हम यूज़ करते हैं, स्किन डेप्थ को किस तरह से हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें ये पता कि कंडक्टर्स में हमेशा सरफेस पे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है। तो कितना इस पर थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है that will be entering to the surface, that is called the skin depth, fine। तो ये skin depth हम बात करते हैं। अब skin depth कैसे calculate करें, इसके जो formula है ये हमने electromagnetic wave in conducting medium का जो हमने solution calculate किया था, Maxwell की four equations हमने write down की थी conducting medium में, और उसको solve किया था, और हमारे पास ये decay constant आया था, अंडरस्टैंड। और डीके कांस्टेंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये हमारे पास स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ को हम यहाँ पे डैट इज 2, और यहाँ डैट इज म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी, एंड डैट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी एट द वैक्यूम, और यहाँ पे ओमेगा को हम लिखे 2π फ्रिक्वेंसी, और ये हमारे पास है कंडक्टिविटी इन, अंडरस्टैंड। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 2, और म्यू आर हमारा 1 है, फाइन। म्यू नॉट इज 4π × 10^-7 मल्टीप्लाई बाई 2, और डैट इज 3.14 फ्रिक्वेंसी है 71.6 मेगाहर्ट्ज़, तो ये 10^6 हर्ट्ज़।
अंडरस्टैंड। उसके बाद हर्ज है और उसके बाद कनेक्टिविटी है हमारे पास कितनी कनेक्ट 3.54 × 10⁻⁷ सीमन पर मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल होगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इट इज 10 माइक्रोमीटर, तो स्किन डेप्थ विल बी 10 माइक्रोमीटर, मीन्स आपका थिकनेस ऑफ द कंडक्टर मिनिमम विल बी द 10 माइक्रोमीटर्स। यदि 10 माइक्रोमीटर से कम होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेंट्रिएट टू द कंडक्टर्स, अंडरस्टैंड। तो आप यहां देखिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी स्किन डेप्थ कम होती जाएगी, बिकॉज स्किन डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ओमेगा। तो इसका मतलब कि 71.6 मेगाहर्ट्ज में यदि हम 100 मेगाहर्ट्ज दे देंगे तो ये स्किन डेप्थ की वैल्यू कम होती जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज द स्किन डेप्थ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड द कंडक्टिविटी एंड द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, फाइन। तो इस तरह से हम स्किन डेप्थ जो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको कई बार फ्रीक्वेंसी स्किन डेप्थ गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है। यदि फ्रीक्वेंसी गिवन होगा, यदि मटेरियल अननोन है या फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और स्किन डेप्थ गिवन होगी तो हम उस मटेरियल की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्किन डेप्थ इज अ डेप्थ वेयर द इलेक्ट्रिक वेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस इज डीके टू 1/E। तो 1/E इज दैट इज 0.3, 0.1, 0.2, 0.3 और यहाँ पे ये 1, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.99, दैट इज अ 1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वेक्टर, वो जब 1/E हो जाए उस डिस्टेंस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बच्चों समझ आएगा। मेरी प्लेलिस्ट पे आप जाके पूरे यूट्यूब चैनल के जितने भी वीडियोज़ हैं यूनिट वाइज मैंने हैं और उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी हैं और बाय बाय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। थैंक यू वेरी मच।